दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। जिला किन्नौर में हुई बर्फबारी के बाद आज दूसरे दिन भी NH5 व संपर्क मार्गों पर बर्फ हटाने का कार्य जारी रहा। NH5 स्कीबा के पास ज्यादा फिसलन होने से सीमा सड़क संगठन ने यूरिया व नमक फैलाया ताकि बर्फ जल्दी पिघल सके। इसी तरह जिला के अन्य संपर्क मार्गों पर भी लोक निर्माण विभाग की मशीनरी बर्फ को हटाया जा रहा है। इसी तरह जिला के अन्य संपर्क मार्गों पर भी लोक निर्माण विभाग की मशीनरी से बर्फ को हटाया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन के कमांडिंग अधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा है कि पावरी से पूह के बीच सभी गाड़ियां चल रही हैं। अधिक बर्फबारी होने से जिला के अधिकांश संपर्क मार्ग बंद हैं। बर्फबारी के बाद बाधित विद्युत आपूर्ति रिकांगपियो तक बहाल कर दी गई है, जबकि जिला के ऊपरी क्षेत्रों में विद्युत बहाल करने में समय लग सकता है। मैं प्रमोद कुमार सिंह OC 68 RCC BR ओवारी और पूह रोड का अपडेट दे रहा हूँ। ओवारी पूह रोड आज के डेट में सभी कार्यां चल रही है, सिवाय कुछ लोकेशन में जैसे स्कीबा वाले लोकेशन में 4x4 की आवश्यकता पड़ रही है, अन्यथा बाकी लोकेशनों में कोई दिक्कत नहीं है। नमक और यूरिया कुछ लोकेशन पे छिड़के जा रहे हैं ताकि वह स्ट्रेच बर्फ जमने के कारण सीसा के रूप में परिवर्तित ना हो, ताकि गाड़ी की दुर्घटना होने से बचाया जा सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से मोहिंदर नेगी की रिपोर्ट। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन युक्त ज्वेलरी उपलब्ध है। भूषण ज्वेलर्स में उपलब्ध आकर्षक डिजाइन युक्त आभूषण ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की खरीद फरोख्त पर ग्राहकों को विशेष योजना भी उपलब्ध करवा रहा है। भूषण ज्वेलर ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से ग्राहकों का दिल जीता है, जिसके लिए भूषण ज्वेलर्स को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।